अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पास्ता। चिकन पास्ता में हमने ये थोड़ा सा चिकन लिया और इसके ये इस तरीके से जूलियन पीस हमने काट लिए हैं। एक प्याली हमारे पास ये पास्ता है। अच्छा, इसकी मैरिनेट के लिए 1/2 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमने इसमें शामिल किया है। 1/4 टीस्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करेंगे। नमक भी 1/4 टीस्पून हम डालेंगे। ब्लैक पेपर भी हम 1/4 टीस्पून डालेंगे और ये वाइट पेपर है ये भी हम 1/4 ही डालेंगे क्योंकि हमारे पास चिकन जो है हमने थोड़ा इस्तेमाल किया है। ये सोया सॉस है, ये 1 खाने का चम्मच है जो इसमें शामिल करेंगे। पास्ता जो है हम अलग से अपना पहले उबाइल करेंगे, उसके बाद इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। चिकन पास्ता विद सॉस, वाइट सॉस हम बना रहे हैं। इसे 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे जब तक हम पास्ते को उबाइल करते हैं। उबाइल करने के लिए रख दिया है, इसमें हमने 1 टीस्पून के बराबर ऑयल डाल दिया है, नमक डाल दिया 1/2 टी के बराबर। अब हम इसमें ये वाला पास्ता जो है डालेंगे। अब 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। अरे 15 मिनट हो गए हैं इस चिकन को मैरिनेट किए हुए, अब हम ये इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया है, हमने सिर्फ 1/2 टीस्पून ऑयल डाला था। ये देखें ऑयल भी सारा इसके साथ खुश्क हो गया है, हमारा भी गल गया है बिल्कुल। अब हम इसे उतार रहे हैं। हमने 2 जुए लहसुन के जो हैं बारीक काट लिए हैं। इसमें 1 चम्मच भर के जो है हमने मक्खन इसमें ऐड कर दिया, शामिल कर दिया है। मक्खन पिघल रहा है, लहसुन जो है हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है मैदा शामिल करेंगे, दूध शामिल करेंगे। ये 1 कप मैंने दूध लिया है। 1 टीस्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्चें, जिसको दादर मिर्चें भी बोलते हैं, वो डाल दी हैं हमने। और ये 1/4 टीस्पून जो है हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है। हम इसमें बस 1/4 के करीब डाला क्योंकि चिकन में भी था। ये देखें इसकी सॉस गाढ़ी हो रही है, ये गाढ़ी हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा दूध और शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ये पास्ता शामिल कर देंगे। ये देखें पास्ता हमारा तैयार हो गया और ये जो चिकन है हमारा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये पार्सले हैं जो थोड़े से शामिल करेंगे सिर्फ। ये हमने थोड़े से इसमें पार्सले इस्तेमाल कर दिए थे, डाल दिए थे मतलब। और अब ये हमारा चिकन पास्ता विद वाइट सॉस तैयार है। देखिए हमारा पास्ता विद वाइट सॉस तैयार है, आप ज़रूर बनाइएगा। जितने हिसाब से मैंने अपना सब लिया है अज्जा, उस हिसाब से इसमें बिल्कुल मसाले परफेक्ट हैं। अगर आप चाहते हैं और तीखा बनाना तो आप जो मैंने चिकन अलग से मैरिनेट किया है उसमें भी लाल मिर्चें कुटी हुई आप डाल सकते हैं। बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।